हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके लिए कुछ नई हेयर स्टाइल लेकर आई हूँ जो हम यहाँ पर बैक साइड में हेयर स्टाइल करने वाले हैं। तो आप सभी लोग हमारी ये जो हेयर स्टाइल है उसको देखते रहिए कि हम किस तरह से हमारी ये जो हेयर स्टाइल है ब्रेड वाली हेयर स्टाइल है उसको किस तरह से हम यहाँ पर पूरा करते हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है कि हमने जो यहाँ पर दो पार्टीशन को डिवाइस किया है, अलग अलग पार्टीशन को लिया है यहाँ पर, तो इस सेक्शन को मैं यहाँ से लॉक कर दूंगी और मैंने ये जो पार्टीशन लिया है उसकी मैं यहाँ पर चोटी बनाऊंगी। मैंने यहाँ पर शाइन स्प्रे करके उसको अच्छे से क्लीन कर लिया है। आप देख रहे हो कि मैंने किस तरह से उसको क्लीन किया है। उसके बाद में यहाँ पर तीन पार्टीशन में उसको डिवाइस करूंगी। मैंने जो एक पार्टीशन लिया था उसको तीन पार्टीशन में डिवाइस कर रही हूँ, फिर उसके बाद उसकी चोटी बना रही हूँ। नॉर्मल टाइट आपको ये चोटी बनानी है। अच्छे से पार्टीशन को लेकर आपको ये चोटी बनानी है। ये आप देख रहे हो कि मैं यहाँ पर जो चोटी बना रही हूँ वो किस तरह से हमने यहाँ पर उसको एक ब्रेड को बना दिया है। यहाँ तक हम यहाँ हाफ तक ही हम उसकी चोटी बनाएंगे। जहाँ पर हमारा मिडल बन होता है, जहाँ पर हमारा मिडल बन लॉक होता है, वहाँ वहाँ तक की चोटी हम बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ उसको चोटी बना के रबर बैंड कर दूंगी। ओके, तो एक साइड की चोटी मेरी हो गई है। अब मैं यहाँ पर ऐसे ही दूसरी तरफ जो हमारी चोटी है उसको भी ऐसे ही क्रिएट कर दूंगी। जिस तरह से मैंने यहाँ पर तीन पार्टीशन में उसको डिवाइस किया है उसी तरह से मैं यहाँ पर भी उसको तीन पार्टीशन में डिवाइस करूंगी। वो आपको देखना है किस तरह से मैं यहाँ पर चोटी बना रही हूँ। दोनों तरफ की चोटी को आपको सेम रखना है और आपको ये चोटी यहाँ भी रबर बैंड करना है कि जहाँ आपने पहली चोटी को रबर बैंड किया है सेम उसी तरह से आपको यहाँ पर रबर बैंड करना है। दोनों तरफ की चोटी को आपको इक्वल रखना है। ये हमारा पहला पार्टीशन पूरा हो गया है। ये आप देख रहे हो कि हमने ये जो दो चोटी बनाई है उसको अच्छी तरह से हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। उसके बाद ये दोनों चोटी को हम यहाँ पर ऐसे मिक्स कर लेंगे सबसे पहले। और ये जो आपका ऊपर का सेक्शन रहेगा चोटी का, ये ऊपर का सेक्शन, वो दोनों सेक्शन में से हम एक जो पार्टीशन लेंगे वो फ्लिप्स हम यहाँ से निकालेंगे। तो आपको ये देखना है हम किस तरह से उसको निकालते हैं। यहाँ से हम पार्टीशन लेंगे, उसके बाद हम यहाँ से उसको ट्विस्ट करके निकाल लेंगे। ये आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पर जो पहला ट्विस्ट किया है वो किस तरह से हमने यहाँ पर अच्छे से कर दिया है। अब मैं यहाँ पर ऐसे ही हेयर लूंगी, जितना मैंने उस तरफ पार्टीशन लिया है वैसा ही पार्टीशन मैं इस तरफ लूंगी। और दूसरा जो हमारा ट्विस्ट था चोटी का, वहां से मैं उसको ट्विस्ट करूंगी। ओके, तो ये आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पर दोनों चोटी को अच्छे से ट्विस्ट कर दिया है। उसी तरह आपको करना है कि आपका ये जो हाफ पार्टीशन है वहां तक आपको ट्विस्ट करते जाना है। तो मैं आपको उसी तरह से यहाँ पर दिखा रही हूँ कि आपको किस तरह से वहां ट्विस्ट करते जाना है। आप जो भी सागर चोटी बनाते हो तो आप जो फ्लिप्स को जैसे उठाते हो वैसे ही आपको यहाँ पर फ्लिप्स को उठाना है, फिर बाद में आपको यहाँ पर ट्विस्ट करना है। दोनों चोटी को ऐसे मिक्स करके आपको ट्विस्ट बनाना है।
वैसे ही सेम पार्टीशन लेके लेकर जाना है आपको, और अच्छे से उसको ट्विस्ट करते जाना है। आपका पार्टीशन हमेशा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैं किस तरह से उसे ट्विस्ट करते जा रही हूँ, तो उसी तरह आपको यहाँ पर हर पार्टीशन को ऐसे ही ट्विस्ट करना है। एकदम पार्टीशन को पहले लेकर उसको क्लीन करना है, उसके बाद ही आपको अंदर ट्विस्ट करना है। क्योंकि कभी क्या होता है कि आप जो पार्टीशन ले रहे हो, जिसको आप ट्विस्ट कर रहे हो, वो पार्टीशन अच्छे से सही ठीक से नहीं होता है, अच्छे से वो ट्विस्ट भी नहीं होता है। तो इसीलिए आपको पहले उसको अच्छे से क्लीन करना होता है, उसके बाद ही आप ट्विस्ट कर सकते हो। तो यहाँ हम जो हर एक फ्लिप्स को ऐसे ट्विस्ट कर रहे हैं, तो वो आप देख रहे होंगे कि हमारी ये जो हेयर स्टाइल है वो किस तरह से एकदम क्लीन हो रही है। ऐसे ही जैसे हमारी ब्रेड जहाँ पर पूरी होती है वहां तक आपको ऐसे ही हर एक फ्लिप्स को स्प्रेड करना होता है। जिस तरह हम ऊपर की सारी ब्रेड्स को ऐसे स्प्रेड कर रहे हैं, उसी तरह से आपको ये सारी ब्रेड्स को ऐसे ट्विस्ट करके अंदर निकालना है, और फिर बाद में उसको थोड़ा सा स्प्रेड करके हार्ड स्प्रे लगा देना है। आप जब भी फ्लिप्स लेते हो तो आपके फ्लिप्स जहां पर आपकी चोटी है वहां तक आपको पूरी नहीं लेनी है, एकदम हाफ फ्लिप्स लेनी है, फिर ही बाद में आपको यहाँ पर ट्विस्ट करना है। ये आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर किस तरह से उसको ट्विस्ट कर रही हूँ। और ये हमारा यहाँ पर लास्ट सेक्शन भी हो गया है, और ये हमारी जो ब्रेड बनाई हुई है वो भी यहाँ पर पूरी हो गई है। ये जो हमारी लास्ट ब्रेड है उसको हम यहाँ पर अच्छे से ट्विस्ट करके रख देंगे। ये आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पर जो हेयर स्टाइल की है वो एकदम अच्छे से यहाँ हो गई है। ये लुक आप कोई भी क्लाइंट को दे सकते हो, लेकिन क्लाइंट के हेयर एकदम ग्रोथ में होने चाहिए तो ही आप ये लुक दे सकते हो। मैंने यहाँ पर जो चोटी बनाई है उसको मैंने अच्छी तरह से यहाँ पर स्प्रेड कर दिया है। उसको किस तरह से स्प्रेड करना है मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, अभी ये जो आपके हेयर बचे हैं लास्ट में, तो ये जो हमारी चोटी है, दोनों चोटली में हमें यहाँ पर जो ट्विस्ट किया है उसको हम ऐसे थोड़ा ब्रॉड बना देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर ये जो पल्स आते हैं वो ही हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पर हमको वो ही ऐड करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऐसे स्प्रेड करके थोड़ा कर्ल्स कर देना है। तो क्या होगा कि आपकी जो क्लाइंट है उसकी हेयर स्टाइल एकदम अच्छे से हो जाएगी। तो आपको ये ख्याल रखना है कि ये चोटी जब बनाओ तो आपको अच्छे से स्प्रेड करना है। जो आपने चोटी बनाई है उसको, जो पार्टीशन ले रहे हो वो, उसको आपको एकदम क्लीन करना है। तो ऐसे ही आप ख्याल रखना। और ये जो हमारी स्प्रेड हुई चोटी है जिसे हम यहाँ से पार्टीशन लिया है, वो पार्टीशन को हम यहाँ से थोड़ा सा पुलिंग भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप यहाँ अपनी कोई भी हेयर स्टाइल बना सकते हो। तो मैंने जो यहाँ पर हेयर स्टाइल सिखाई है वो आप साइडर को भी ले सकते हो, या ब्राइडल को भी, आप मंडप लुक हो या तो नाइट गरबा लुक हो तो उसमें भी आप ये हेयर स्टाइल ले सकते हो। तो ऐसे ही मेरी ये वीडियो देखने के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहे, और ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे।